कहा जाता है कि एक इलाके में अकाल पड़ गया था। इस अकाल की चपेट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी आ गए। मवेशी मालिक बहुत चिंतित थे। इसी बीच एक मस्जिद के मौलवी ने अपने शुक्रवार के उपदेश में बड़े विश्वास के साथ कहा कि अगर अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी का हुक्म दिया जाए तो वह अवज्ञा नहीं करता। उपदेश सुनने वालों में एक चरवाहा भी था। मौलवी की यह बात उसके दिल में उतर गई और इस पर उनका विश्वास सिद्ध हो गया। वह वापस लौटा और अपनी बकरियों को खोलकर सीधे नदी की ओर चला गया। उन्होंने जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पाठ किया और नदी से कहा कि वह अपनी बकरियों को चराने के लिए दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, और उससे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दो। यह कहकर वह अपनी बकरियों को लेकर नदी पर चलता हुआ नदी पार कर गया। नदी के दूसरी ओर का क्षेत्र घास से भरा हुआ था। पेड़ों की पत्तियां भी अक्षुण थी क्योंकि यहां किसी को आने की सुविधा नहीं थी। उसने अपनी बकरियों को खूब खिलाया और लौट आया। फिर उसकी आदत बन गई कि वह बकरियों को उस पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियों को वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दोगुना और चौगुना हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछा कि वह अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वह एक सरल एवं ईमानदार युवक था। उसने साफ साफ बताया कि हुजूर, मैं नदी पर चलता हूँ और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का पाठ करके अपनी बकरियों को चराने के लिए दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यह बात सबने सुनी परंतु किसी ने चरवाहे की बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि यह अविश्वसनीय था। लेकिन बात मौलवी साहब तक पहुंची। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा वृत्तांत पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब का हवाला देते हुए कहा कि मौलवी साहब ही आपको धन्यवाद देने वाले थे। आपने जुमे के खुतबे में बिस्मिल्लाह कहते हुए जो रिवायत बयान की है, अगर आप दरिया को भी हुक्म दे तो वह इनकार नहीं करेगी, इसलिए मैं सिर्फ आपके नुस्खे का पालन कर रहा हूँ। मौलवी साहब आश्चर्य से उसका मुंह देखते रह गए। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, हम हर शुक्रवार को ऐसे काम करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को विश्वास दिलाना है, लेकिन बकरी के मालिक ने जिद की कि मैं बस बिस्मिल्लाह कहते हुए पानी पर चलूं और बकरियों के साथ पानी पार कर जाऊं। अंततः मौलवी साहब ने यह प्रयोग स्वयं सुबह करने का निश्चय किया। चरवाहे समेत पूरा इलाका देखने आया। भीड़ बहुत थी। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि मना कर दूं, कहीं डूब न जाऊं। लेकिन जो मौलवी साहब को अपने कंधे पर लेकर आया, वे अभी भी उत्साह से अल्लाहु अकबर का नारा लगा रहे थे और वह मौलवी साहब के पक्ष में प्रशंसा कर रहा था। अंततः मौलवी साहब ने उसका डर दूर करने के लिए रस मंगवाया। पहले उसने उसे एक पेड़ से बांधा, फिर उसे अपनी कमर से बांधा, फिर उसने डरते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा और नदी पर चलने लगा। लेकिन पहला पैर रखते ही वे पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां लगाने लगे और पानी की धारा में बहने लगे। लोगों ने बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत से चरवाहा चिंतित हो गया कि मौलवी साहब बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है, क्योंकि ये उनकी दिनचर्या थी।